आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं। आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं। आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं। आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं। आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं। आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं। आज मानस गांव से हमने शुरू किया था, उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी।
आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगी लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए, जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ ले, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। देखिए अभियान का ऐसा है कि अब ये अभियान तकरीबन एक महीना तक चलेगा, जिसमें कि डेटा एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने दिसंबर में डोजेज लगाई थी वो अब ड्यू हो चुकी हैं।